गोरखपुर में 27 मई से 31 मई तक आयोजित खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के द्वारा शुक्रवार को रामगढ़ताल में ट्रायल किया गया। आपको बताते हैं कि गोरखपुर के रामगढ़ताल में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों के द्वारा 9 से ट्रायल किया गया, जिसमें खिलाड़ियों का अच्छा वाटर लेवल मिला। वहीं खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ पर पानी का वाटर लेवल ठीक है, लेकिन थोड़ा हवा के कारण बहाव ज़्यादा है, बाकी सारी व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर हम लोगों के रुकने व खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं खेलो इंडिया खेलो रोइंग प्रतियोगिता के मैनेजर दिनेश शर्मा ने कहा कि शनिवार से प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका शुभारंभ सदर सांसद के द्वारा किया जाएगा, जो कि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा नाव को पानी में ले जाकर ट्रायल किया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर पानी का वाटर लेवल भी ठीक है, जो कि खिलाड़ियों को चाहिए था। यहाँ पर मोटर बोट चल रहा है और सभी खिलाड़ी खुश हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर आएं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए रोइंग प्रतियोगिता के मैनेजर सुधीर शर्मा, खिलाड़ी पंकज, केशव अहिर, भूपेश ने कहा, कल प्रतियोगिता का आगाज होगा और जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि इस प्रतियोगिता को उद्घाटन करने के लिए रवि किशन जी जो हैं मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जो खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ कि सबसे अच्छी बात है कि जो हम लोगों ने ट्रैक का ट्रायल किया, बोट्स का ट्रायल किया, सारे इक्विपमेंट, सारी व्यवस्थाएं, सारा चाक चौबंद उच्च स्तरीय है और सब खिलाड़ी खुश हैं। सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी खुश हैं तो आयोजक खुश हैं। अगर हमारे खिलाड़ी को दिक्कत होती है तो आयोजक को दिक्कत होती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सफल आयोजन, आने वाला वक्त बताएगा, आप लोग इसको देखेंगे। और गोरखपुर वासियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे आएं, इस युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं और अच्छे से अच्छी प्रतियोगिता का लुत्फ उठाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि पूरा हमारा स्टार्ट टू फिनिश जो ट्रैक है, पूरा 3 मीटर वाटर डेप्थ है, वो किसी नाविक का किसी तरह की नाव, मोटर बोट, सच्ची दिक्कत होती है नाव तो हमारी 3 फीट पानी में चल जाएगी, लेकिन मोटर बोट जब चलती है तो प्रेशर करती है, मोटर बोट का इंजन से दबाई नाव दबती, इंजन और गहरा चला जाता है, तो अगर पानी में मट्टी में लग जाएगा तो इंजन चलने में दिक्कत होगी। पूरे ट्रैक के ऊपर हमारे चीफ जूरी जो सजी थे, उन्होंने ट्रायल किया, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और ही इज़ वेरी हैप्पी। व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया है, अभी योगी सर है जो, हम तो यहाँ के ये स्टेट के तो नहीं है, प्रतियोगिता तो एकदम बढ़िया है और रहने के लिए अच्छी जगह और होटल बिटेल सब अच्छा है। पानी का बहाव ये सब ये देखो, ये रोइंग प्रतियोगिता तो ऐसी है जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ही होती है जो, और क्लाइमेट क्लाइमेट के ऊपर बहुत रहता है और वेव्स भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। दिक्कत तो पानी में क्योंकि बोट ही सीधी नहीं चल सकती क्योंकि वेव्स ज़्यादा होने के कारण, हवा चल रहा है, बहुत सारा हवा चल रहा है। गोल तो रहेगा, अभी अब मेडल के लिए आए तो कोई तो भी मेडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी मेडल लेके जाएंगे। बहुत अच्छा ट्रायल रहा है, हालांकि देख सकते आप प्लेयर ज़्यादा है पर उस हिसाब से हमारा प्रयास रहेगा, हम बेस्ट दें अपना और गोल्ड लेकर जाए। पानी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा ट्रैक है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा भविष्य है और यहाँ पे रोइंग और अन्य वाटर स्पोर्ट की बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगी और उसका विकास होगा, ये आशा है हमारे हमें। जी जी, खेल से उत्तर प्रदेश से भी ओलंपियन निकलेंगे, देश के लिए मेडल लाएंगे, ये आशा है। यहाँ पे रोइंग का विकास हो और इधर वाटर स्पोर्ट्स का भी विकास हो, इसी हमें अपेक्षा है। क्या नाम है? मेरा नाम केशव हिरे। पानी में तो अभी वेव्स हवा तो ज़्यादा है, वेव्स भी चल रहे हैं। अभी हम आउटिंग गए थे तो आउटिंग तो हमने की, लेकिन वेव्स के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी कुछ नहीं। किसी तरह की दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हर जगह, मतलब अभी जैसे कि इसका वेव्स के ऐसे होता है, वेव्स की वजह से दिक्कत तो होती है, तो कुछ नहीं हो जाए। हाँ, रहने खाने का तो अच्छा है यार सब, नहीं नहीं दूसरी दिक्कत नहीं।